हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल डॉक्टर दरबेश की एक नायाब देन है, जिसके माध्यम से वो चाहते हैं कि लोगों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत ना ही पड़े और वो घर पर ही उस बीमारी से निजात पा लें। अगर आप भी घर बैठे डॉक्टर दरबेश के बताए नुस्खों से लाभ उठाना चाहते हैं, स्वस्थ और सेहतमंद रहना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, हमारे वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्ते टू ऑल ऑफ आवर व्यूअर्स और सब्सक्राइबर जो भी ये यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जैसे कि आप टॉपिक आज जानते हैं कि डॉक्टर दरबेश के यूट्यूब चैनल के थ्रू मैं आज आपको वो नॉलेज शेयर करने जा रहा हूँ जो लोअर बैक पेन में आप कौन से ऐसे एक्सरसाइजेज हैं जो आप घर पर बहुत ही बेसिक तरीके से आराम से कोई भी कर सकता है और किस तरीके से 5 से 10 मिनट में आप लोअर बैक पेन से रिलीफ पा सकते हो। अब मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मैं एक सर्टिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर हूँ। 2 साल पहले मेरी एक छोटी सी स्प्रेन और या जर्क आ गई थी बैक में जब मैं ट्रैवल कर रहा था, तो मुझे वो चीज़ जब बढ़ती गई मैंने पहले इग्नोर किया और बहुत सारी स्ट्रेचिंग करी, इससे हुआ नहीं क्योंकि मुझे उसकी नॉलेज नहीं थी। तो जब मैंने गूगल किया और न्यू लाइफ पेन क्लिनिक और डॉक्टर दरबेश के बारे में जाना, उनकी जो थेरेपीज थी वो एक्यूप्रेशर, एक्यूवेव और जितने भी मैनुअल थेरेपीज हैं जो कराते हैं वो, तो उसके थ्रू जब मैं यहाँ आया तो मैंने 24 सेटिंग के सेटिंग ली उनसे, जिससे मेरा बैक पेन पूरी तरीके से चला गया। उसके बाद मैंने क्या किया कि मेरा जो नॉलेज है वो बहुत सिस्टमेटिक हो गया। मैंने योगिक आसन और थेरेपेटिक आसन कैसे करते हैं और किस तरीके से कुछ भी आपके लंबर में, बैक में, हिप में पेन या प्रॉब्लम है, चाहे वो क्रोनिक हो, चाहे वो आपको टाइम टू टाइम होता हो, उसे कैसे आप रिलीज़ करें और परमानेंटली क्योर कैसे करें। मैं क्योर बता रहा हूँ, क्योर का मतलब होता है कि हमेशा के लिए चला जाना, पर उसके लिए थोड़ी सी मेहनत आपको करनी ये होती है कि थ्राइस अ वीक या ट्वाइस अ वीक आप उन एक्सरसाइजेस को करें। अगर आपको सच में पेन है तो आप डेली बेसिस पे करें, जब कम होने लगे या फिर जब धीरे धीरे पेन आपका जाने लगे तो आप इसको हफ्ते में 3 बार प्रैक्टिस करके आने वाले फ्यूचर में जो भी प्रॉब्लम है उसे नहीं ला सकते हैं, उससे आप मतलब हमेशा उसको रिमूव करेंगे अपनी लाइफ से। आज मैं जो आपको आसन बताऊँगा उसमें 2 से 3 सेट्स में मैं आपको आसन बताऊँगा, 10 से 11 आसन हैं और सारे बहुत ही अच्छे इंस्ट्रक्शन के साथ आपको बता दूंगा। ध्यान से देखिए और ये समझिए कि उसे करना कैसे है, और जो कुछ भी आपको समझ में नहीं आता है या फिर जो भी आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स के थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट हियर। सो एवरीवन, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से आप ये जो प्रोटोकॉल है लोअर बैक पेन को रिलीज़ करने के लिए इमीडिएटली क्या करना है। पहले तो आपको एक योगा मैट चाहिए, दूसरा आपको इस तरीके का अगर आपके पास कोई बॉलस्टर या फिर पिलो है तो वो आप यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके पास योगा सीखते हैं और आप एक योगा करते हैं घर पे तो शायद आपने सुना होगा योगा स्ट्रैप होता है, एक योगा स्ट्रैप अगर आपके पास हो, तो नहीं हो तो एक टॉवल का यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊँगा कि वो कैसे लगाना है आपको। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी बैक पेन हो आपको शवासन में लेटना है बट पिलो के साथ। आपका जो बैक है, जो लंबर स्पाइन है ये वाला, यहाँ पे जो कर्व होता है, ये जो कर्व है इसे लॉर्डोसिस कर्व बोलते हैं। जब इस कर्व में आपका कुछ भी डिफॉर्मिटी आती है तो उस डिफॉर्मिटी की वजह से आपका शरीर वजन नहीं ले पाता, तो बैक पेन होता है। अभी हम इस आसन के थ्रू उसको कम करेंगे। मैं लेफ्ट साइड से लेटूंगा, लेफ़्ट साइड से आपको लेटना है। लेटने के बाद आप अपने दोनों लेग फोल्ड करिए, इसको उठाइए हवा में ऊपर, और दोनों पिलो को या एक पिलो को जो भी आप चाहते हैं उसको लंबर स्पाइन पे जहाँ कर्व होता है वहाँ लगाइए और इस तरीके से लेटिए आराम से, बिल्कुल रिलैक्स होकर के स्पाइन को ऊपर उठने दीजिए, हाथ नीचे रखिए, नॉर्मल ब्रीदिंग, पैर अंदर की तरफ हल्के मुड़े हुए और पैर बिल्कुल सीधे। इससे क्या होगा कि आपका जो स्पाइन है अपने रियल कर्व में, जो आपका उसका कर्व है उसमें आ जाएगा। इसे करते ही आपको बहुत ही रिलैक्सेशन फील होने लगेगा, खास करके लोअर बैक में। इसको आपको 3 से 5 मिनट करना है। हम यहाँ पे इस वीडियो में क्या करने वाले हैं कि हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे ताकि आपको देखने में आसानी हो, क्योंकि ये चीज़ें अगर मैं पूरा 5 मिनट करूँगा तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो जो भी मैं करूँगा वो आपको बता दूंगा कितना कितना टाइम आपको करना है। पहला आपका ये है, फर्स्ट नंबर पे आप लेटे हो 5 नंबर। दूसरा आपका उसी जगह से, जैसे आप पिलो हटाओगे
अर्ध पवन मुक्तासन में जाइए, ये करिए आप। अपने घुटनों को मोड़िए और पूरी ताकत से अपने चेस्ट की तरफ खींचिए। अगर आपको सर्वाइकल प्रॉब्लम नहीं है तो आप आगे से भी उठ सकते हैं इस तरीके से। अब यहीं से इस हाथ को लगाएंगे, अपोजिट हाथ को, और इसको पूरा मोड़ करके ट्विस्ट कर देंगे और अपोजिट साइड में देखेंगे। आपका हाथ जो है 180 डिग्री पर है। अपने थंब को देखिए, इसको नीचे दबाइए। ये दोनों ही 15-15 सेकेंड के हैं, ये एक सीक्वेंस है। पहले अर्धपवन मुक्तासन, फिर सुपाइनल ट्विस्ट, इसे अर्ध मर्कट आसन बोला जाता है। वापस आएंगे आप, रिलैक्स होंगे, दोनों ही पैर उठाएंगे और आप पूर्ण पवन मुक्तासन में जाएंगे। दोनों ही पैर फोल्ड करना है, अपने हाथों से हग करना है अपने लेग्स को। सर्वाइकल नहीं है तो आगे से उठ सकते हैं और धीमे धीमे अपने आप को गोल गोल घुमाने की कोशिश करें। इससे आपके पूरा बैक और स्पाइन का मसाज हो जाएगा आपके मैट पे। इसको 5-7 बार कोशिश करें करने की, नहीं हो पाए तो मत करिए, मात्र पूर्ण पवन मुक्तासन। अगला जो हम करने जा रहे हैं वो है सुपाइनल ट्विस्ट। ये सारे जो मैं आपको 5-7 आसन बता रहा हूँ अभी, तो ये मर्कट आसन समूह के अंदर आते हैं, सारे योगिक एक्सरसाइजेस हैं। इस तरीके से मोड़िए और अपने इस पोर्शन को थोड़ा सा बाहर उठाइए, दबाइए बाहर की तरफ, पुश करिए, हल्का सा अपोजिट में देखिए, हाथ खोलिए बाहर, एक घुटना एक तलवार लगाइए इस तरीके से। दोनों तरफ आप कंटिन्यूस बेसिस पे उसे करते रहें, धीमे धीमे। जैसे ये सब आसन आप करते हुए जाएंगे तो आपका जो है वो पेन कम हो रहा होगा धीरे धीरे, तो आपको और रिलैक्स फील होगा। ये 15-20 बार सुपाइनल ट्विस्ट बोला जाता है इसको। इसके बाद जो हम करने वाले हैं, अब हम हिप की स्ट्रेच करेंगे। इसके लिए इसको यहाँ लगाइए, रिक्लाइनिंग पिजन पोज बोलते हैं। दोनों हाथों को यहाँ से घुसाएंगे, अपने घुटनों को पकड़ेंगे और अपनी तरफ खींचेंगे। अगर आपको ज़्यादा नहीं आता है बट स्ट्रेचिंग है आपकी, तो उस लेवल तक ही स्ट्रेच करें, ज़्यादा करने की कोशिश ज़बरदस्ती ना करें। धीमे धीमे आपका इम्प्रूवमेंट दिखेगा आपको आपके शरीर में। आपको इन सब आसनों को साधना है डेली बेसिस पे, खासकर सुबह कर सकते हैं इसको। दोनों पैर सीधे। अब हम जो करने जा रहे हैं उसमें आपको ध्यान से करना है काफ़ी, क्योंकि वो दो आसनों का एक सीक्वेंस है। इसमें पैर दबाएंगे नीचे प्रॉपर, हाथ यहाँ पे लगा हुआ हो, एक बार ब्रिज पोज, सांस भर के आप ऊपर उठाइए, इससे स्पाइन को ताकत मिलती है। सांस छोड़िए और पवन मुक्तासन में। इस सीरीज को 5-7 बार प्रैक्टिस करें। होल्डिंग का टाइम है आपका 7 सेकेंड, 7 सेकेंड ऊपर होल्ड करें और 7 सेकेंड इसमें होल्ड करें। नेक्स्ट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है मर्कट आसन पूर्ण। पूर्ण मर्कट आसन में दोनों हाथों को खोल देंगे 180 डिग्री में, एक पैर उठाएंगे, सांस खींचकर, सांस छोड़कर इसको अपोजिट में घुमा देंगे, उल्टा देखेंगे। ये इस लेवल पे भी घूम सकता है जिनका स्ट्रेचिंग अच्छा नहीं है या कम है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। ध्यान ये रखना है कि यहाँ हिप और लंबर स्पाइन के आसपास आपको खिंचावट महसूस हो, ये जरूरी है आपके लिए। उस स्पाइनल स्ट्रेच को फील करें 15-20 सेकेंड। बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, जितना आपको चाहिए। इसके बाद हम जो करने जा रहे हैं वो है पद हस्तासन, जिसमें आप लेट कर पद हस्तासन करते हैं। इसमें मैं आपको पहले करके दिखाता हूँ कि पहले क्या करना है। पहले आपको इस तरीके से करना है, ऊपर खींचना है। जो अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इतनी नहीं है, पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो तब आप या तो योगा स्ट्रेप का यूज़ करिए या फिर आप अपने टॉवल को इस तरीके से लंबा बना करके अपने पैर में इस तरीके से फंसाइए, टोज के पास।
इस तरीके से पकड़ें, लेट जाएं आराम से और नीचे की तरफ खींचें। टॉप से नीचे की तरफ खींचोगे तो यहाँ स्ट्रेच आएगा, कहाँ उसमें स्ट्रेच आएगा, यहाँ स्ट्रेच आएगा, यहाँ हैमस्ट्रिंग, तो जो आपका पेन है बैक में वो इसके थ्रू होके बाहर निकल जाएगा। सिंपली आपको सिंपली यही करना है। ये सब पेन रिलीजिंग टेक्निक्स हैं और बहुत आसान है करने में, कोई भी इसे परफॉर्म कर सकता है। वही आप दूसरे साइड से भी करिए। टॉप पे लगाइए टोके, आराम से लेटिए, इस तरीके से पकड़िए और नीचे खींचिए आराम से। इसको आपने नीचे रख दिया। अब मैं कुछ आपको ऐसे आसन दिखाने जा रहा हूँ जिससे आपके लंबर स्पाइन के आसपास के जो मसल्स हैं वो किस तरीके से आप उसकी टेंशन को रिलीज कर सकते हो। देखिए, आपने दोनों पैरों को खोला। पहली बात, हमेशा ध्यान रखिए कि आपके पैर इस तरीके से सीधे हों ताकि स्ट्रेचिंग प्रॉपर आए। ठीक है, ये कम भी हो सकता है, धीरे धीरे बढ़ेगा आपका स्ट्रेचिंग। इसमें आपको क्या करना है, इस रीजन को, जहाँ जब भी आप बैक पेन होता है तो आप इसी जगह को पकड़ते हैं, लंबर स्पाइन के दोनों के आसपास के एरिया को, तो उस जगह को अगर आप खींच देंगे तो वहाँ जो टेंशन बनी हुई है वो जो टेंशन है वो निकल जाएगी। कैसे निकलती है, एक हाथ यहाँ रखेंगे, अपोजिट हाथ को धीमे से इतना 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 जितना आप ले जा सकते हैं ले जाइए और रोक कर रखिए 15 से 20 से 30 सेकेंड। ज़्यादा नहीं रोकना है, ज़्यादा रोकने से उल्टा हो जाएगा, उल्टा इफेक्ट आता है, ये प्रिकॉशन है। आपको 15 से 30 सेकंड के बीच में रोकना है। अगर आप ज़्यादा होल्ड करते हैं तो वो फिर पेन क्रिएट करेगा, वो ज़्यादा स्ट्रेच हो जाएगा, पेन क्रिएट हो जाएगा, तो इसलिए ध्यान से करना है इस चीज़ को। इसे वाइड लेग्ड साइड बेंड्स कहते हैं, पश्चिम उत्तासन योगा आसनों के समूह के अंदर ये आता है। और ख़ासकर जो दिन भर बैठे रहते हैं, बैक पे जिनके लगातार स्ट्रेन आता है, ये करते ही आपको तुरंत रिलीफ मिल जाएगा। ये आप आराम से सोने से पहले बेड में भी कर सकते हैं। एक सिंपल आसन, एक बार इस तरफ से और एक बार इस तरफ से, और साथ में अगर आप थोड़ा सा क्रिएटिविटी लगाएंगे तो ये रहा 1 2 3 and 4, डन। अब मैं कुछ कुछ ऐसे आसन दिखाऊंगा जिसमें आप अपने स्पाइन को खींच रहे हैं, हड्डी को बढ़ा रहे हैं, वो कैसे करना है। एक सिंपल आसन है जो आप ध्यान से देखेंगे तभी परफॉर्म कर पाएंगे अच्छे से। इसे टेबल टॉप पोजीशन कहा जाता है, बिल्कुल टेबल की तरह, दोनों हाथ सीधे हैं, शोल्डर के बराबर ओपन है और दोनों लेग। मर्जरी आसन करूंगा, आपने बिल्ली को देखा होगा घर में, जब भी बिल्ली सोती है तो उसके बाद जब उठती है तो वो इस तरीके से अपने बैक को खींचती है ऊपर, वो सिंपली यही करती है। उसका मोटिव यही होता है कि वो अपने स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ा रही है। दोबारा देखिए, सांस खींचिए, टेल बोन को अंदर दबाइए, चिन को अंदर करिए और ऊपर खींचिए, 10 काउंट करिए, 1 2 3 4, इस तरीके से 10 काउंट करिए। इसको 5 से 7 बार कर सकते हैं, ज़्यादा इसे भी नहीं करना है, ज़्यादा रिपीटेशन में करेंगे तो इसका भी उल्टा इफेक्ट आएगा। आराम से आप वज्रासन में दोबारा बैठें। ये आसन करने के बाद आप एक बहुत ही अच्छा आसन कर सकते हैं, वो है चाइल्ड पोज, बालासन, बहुत ही बेहतरीन माना जाता है आपके बैक टेंशन को रिलीज करने के लिए। आप करके देखिए, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। 1 2, अब अपने बैक को लूज करो इस तरीके से, ये आपको 15 से 20 सेकेंड करना है। और वो जब वहाँ कर रहे होगे तो आपको ना सांस जो है धीमी रखनी है, डीप रखना है, और इस लंबर स्पाइन को, पूरे बैक को एकदम रिलैक्स रखना है। हाथ हल्के से तने हुए हो, चिन और सर नीचे हो, चाइल्ड पोज इसको बोला जाता है, ये आप कर सकते हो। आपका चाइल्ड पोज हो गया, मैंने आपको मर्जरी आसन में दिखा दिया, वाइड लेग पोजिशन में दिखा दिया। आई होप कि आप इस वीडियो के थ्रू देख करके खुद प्रैक्टिस कर सकें। एक छोटा सा आसन और दिखाऊंगा, उसके बाद आप प्राणायाम करके इस छोटे से सेशन को ख़त्म कर सकते हैं। वो है आपका मकर आसन। इस तरीके से हाथों को यहाँ रखिए चिन पे अपने, दोनों ही पैरों को घुमा करके पॉइंटेड करिए और अपने हिप की तरफ प्रेस करिए। इससे एक दबाव बनेगा बैक में, बैक को बहुत ताकत मिलेगी और इसका जो स्पाइन में असर है वो बहुत पॉजिटिव होता है, बहुत पॉजिटिव। इसको आप बहुत तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, धीमे धीमे दोनों पैरों से कर सकते हैं और उसके बाद इसको
टाइटली लगा के भी कर सकते हैं। धीरे से मैं वापस जाऊंगा इस पोजीशन में। जब भी आप इसे परफॉर्म करें, योगा को हमेशा एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज के साथ ही ख़त्म किया करिए। और जैसे कि आपको पेन होता है, तो ये साइंटिफिकली प्रूव्ड हो चुका है कि अगर आपका दिमाग और शरीर शांत है तो आपका मसल भी शांत रहते हैं, मसल टेंशन में नहीं रहते। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक छोटा सा बहुत ही इफ़ेक्टिव प्राणायाम है, प्राणायाम का एक छोटा सा पार्ट है अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। मैं वो आपको करके दिखा देता हूँ, आप उसे करने की कोशिश करिए। जब भी ये सब करिए, उसको भी करिए, तो उससे आपका रिलैक्सेशन का जो लेवल है वो ज़्यादा होगा। लेट मी शो यू। किसी भी आसन में बैठ सकते हैं, सुखासन में, वज्रासन में, अर्ध पद्मासन में, हाथियाले प्राप्ति मुद्रा करिए। इस तरीके से आप हाथ खोल दीजिए, थम और रिंग फिंगर का यूज करिए, एक नाक को दबाइए, इससे सांस खींचिए, रोक के रखिए थोड़ी देर, दबाइए इसको, छोड़ा इससे, जिससे छोड़ा अब उसी से लिया, जिससे छोड़ा उसी से लिया, छोड़िए। इससे आपका इफेक्ट ये होता है कि आपकी नॉस्ट्रिल जो है, जिससे आप सांस लेते हो, ये क्लियर होता है, लंग्स की ताकत बढ़ती है और मेंटली राइट और लेफ्ट ब्रेन शांत हो जाता है। ये आपको 2 से 3 मिनट कर सकते हैं, आप अपने टाइम की अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग इसे कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो मैंने आपको बताया, ये सारे जो एक्सरसाइज हैं, 10 से 12 एक्सरसाइज हैं एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज के साथ, इसे आप परफॉर्म करिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। लाइक्स कमेंट्स का हमें इंतज़ार है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। दोस्तों, तो आपने अभी देखे शैलेंद्र जी जो आपको डेमोंस्ट्रेट करके दिखाए कि किस तरीके से हम लोग बैक पेन से निजात पा सकते हैं योगासन करके। योग एक साइंस है और करने का जो तरीका है, अगर वो आर्टिस्टिक रहे तो साइंस और आर्ट मिलके आपको बढ़िया स्पाइन दे सकता है और एक फ्लेक्सिबल बॉडी दे सकता है और एक अच्छा माइंड दे सकता है, जिससे आप अपनी क्रिएटिविटी के साथ काम कर सको, अपना पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को और बेहतर अंजाम तक पहुंचा सको। इसके लिए आप इस वीडियो को बार बार देखें, समझें, सीखें, फिर करें, गलती ना करें, क्योंकि गलती का गुंजाइश नहीं है। एक गलती अगर आप करते हो और उसको रेगुलर प्रैक्टिस में लाते हो, फिर वो पूरा स्ट्रक्चर आपका ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए इस पे ध्यान रखें कि गलती का गुंजाइश नहीं है, इसलिए रिपीटेडली देखें, 8 बार 10 बार देख के इसको पूरा दिमाग में बिठा लीजिए कि किस तरीके से किया जा रहा है। करते समय भी लगा के वो पोजीशन, किस पोजीशन में जाते हैं, किस पोस्चर में हैं, कैसे कर रहे हैं, वो सारी चीज़ों को आप लोग देखो। कहते हैं जब आँखें खोलो तो हुआ सवेरा, जब आँखें बंद तो है अंधेरा। अभी तक फर्ज करो हम लोग अंधेरे में थे और रेगुलर हम लोग एक्सरसाइज का पैटर्न में नहीं आ पा रहे थे, बट अभी अगर आंख खुल गई इसे देख के, और यही हमारी प्रयास है टेक्निकलिटी के साथ आप तक ऑथेंटिक चीज़ें लाना, यही हमारी फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल जो चैनल हम चला रहे हैं, इसका मकसद यही है। हम लोग अलग अलग तरीके से लोगों को इसके साथ जोड़ रहे हैं। तो दोस्तों, आज यहीं पर इसको ख़त्म करते हैं और आप इसको रेगुलर करें और इसका फीडबैक हमें दें, फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और सिर्फ इतने में भी बात नहीं चलेगी। हम लोग सब मिलके एक ऐसा माहौल तैयार करें, सोशल माहौल, जहां सब समझें कि हमें दवाई से दूर रहनी है, हमें हॉस्पिटल से दूर रहनी है, हमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने शरीर को जागृत करना है और उसको ताकतवर करना है, सार्फ करना है और तंदुरुस्त रहना है। तो इसी बात के साथ मैं आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म करने जा रहा हूँ। इसके बाद हम लोग क्यों बैक पेन होता है, क्या कारण है, क्या प्रिकॉशंस है और किस तरीके से एक्यूप्रेशर वगैरह इस पर काम करता है, कलर थेरेपी काम करता है, मैनुअल थेरेपी हम लोग कैसे देते हैं
और हमारे क्लिनिक में भी जो फोर्थ स्टेज ऑफ पेन मैनेजमेंट है उसको कवर अप कैसे करते हैं, इस पर भी हम लोग वीडियो बनाएंगे। एटलीस्ट 3-4 एपिसोड अलग अलग तरीके से आप तक पहुँचाएंगे, जिससे आपका फुल फ्लेजेड नॉलेज हो आपके बैक स्पाइन के बारे में, और अपनी नॉलेज को बढ़ाने के साथ साथ अपनी फिटनेस को भी बढ़ाइए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।